नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसी सुपरहिट होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके लंग्स की पावर को बहुत अधिक बढ़ा देती है। दोस्तों जब लंग्स की पावर बढ़ती है तो फेफड़े जो है सामान्य तरीके से सांस ले पाते हैं। फेफड़ों के अंदर जो म्यूकस जमा हो जाता है, फेफड़ों में इतनी ताकत आ जाती है कि उस म्यूकस को स्वयं से फेफड़े बाहर निकाल सकते हैं। और यदि किसी कारण से ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फायदे होते हैं यदि हमारे फेफड़े मजबूत हो, हमारे फेफड़े सामान्य तरीके से काम कर सके। तो दोस्तों ऐसी पांच होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, उसमें दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है एंटिम टार्टेरिकम 30 पोटेंसी में। तो दोस्तों एंटिम टार्ट 30 को लंग्स यदि पूरी तरह से म्यूकस से भरा हुआ है, लंग्स यदि पूरी तरह से कफ से भरा हुआ है, तो उस कफ को निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधि माना जाता है। दोस्तों यदि लंग्स पूरी तरह से म्यूकस से भरा हुआ होता है तो लंग्स की जो ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। जितने लंग्स में म्यूकस भरा हुआ है उतना लंग्स दोस्तों काम करना बहुत ज्यादा कम कर देता है, तो इस म्यूकस को बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। तो यदि कोई व्यक्ति लगातार घड़ घड़ की आवाज से परेशान हो रहा है, उसके लंग्स में लगातार घड़घड़ाहट की आवाज आ रही हो, जब भी व्यक्ति खांसता है तो लगातार उसके मुंह से कफ निकलता हो, जब भी बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे कि इसके पूरे फेफड़े में म्यूकस भरे हुए हैं, दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब एंटीम टार्ट 30 पोटेंसी का यूज किया जाता है 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम, तो दोस्तों लंग्स की पावर बढ़ती है और इस म्यूकस को, इस कफ को लंग्स प्रॉपर तरीके से आसानी से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों कई बार जब एलोपैथी की ब्रांकोडाइलेटर्स फेल हो जाती है, साल्बुटामॉल या स्थलिन सायरप वगैरह फेल होते हैं, वहां पर भी दोस्तों यदि एंटीम टार्ट दवा का उपयोग किया जाए तो दोस्तों लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में, उसका म्यूकस निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो एंटीम टार्ट 30 को देने का सामान्य तरीका है 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर और 4 बूंद रात में, लगातार दोस्तों कुछ दिनों तक देते हैं तो ये फेफड़े में जमा हुआ म्यूकस को बाहर निकाल देती है। दोस्तों आज की दूसरी मेडिसिन है कार्बोवेज 200 पोटेंसी में। दोस्तों जो कार्बोवेज मेडिसिन है इसे भी सर्दी खांसी जुकाम और लंग्स के लिए बहुत ही लाभदायक मेडिसिन माना जाता है। दोस्तों इसे न्यूमोनिया के केसेस में, ब्रांकाइटिस के केसेस में या किसी भी ऐसी कंडीशन में जब लंग्स की दोस्तों हालत इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि वो स्वयं से भी म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पा रहा हो, और ऐसी कंडीशन जहां पर एंटीम टार्ट भी फेल हो गया हो, दोस्तों वहां पर कार्बोवेजिटेलिस का यूज करते हैं। दोस्तों क्योंकि कार्बोवेजिटेलिस को होम्योपैथी में एकदम से इंसान की शक्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है, इसे दोस्तों मृत संजीवनी की होम्योपैथी में संज्ञा दी गई है। मतलब ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार तक पहुंच चुका है और उसे भी होम्योपैथिक दवा कार्बोवेज का सेवन किया जाता है तो बहुत अधिक संभावना होती है कि उसकी सांसें लौट आए। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति मरने वाला और आप उसे कार्बोवेज देंगे तो वो जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब केवल ये है दोस्तों कि आखिरी समय में यदि आप कार्बोवेज भी ट्राई करते हैं तो कई बार इसके बहुत ही ज्यादा सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति की जो लंग्स में म्यूकस से परेशान है, बहुत ज्यादा फेफड़ों में जो है कफ जमा हुआ है, उसे बाहर नहीं निकल पा रहा, लगातार जो है उसके कारण अस्थमा की शिकायत से, दमा की शिकायत से परेशान है, उसे बहुत ज्यादा जोर जोर से सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बहुत कठिनाई से सांस ले पा रहा हो, आप उसकी जब नब्ज चेक करते हैं दोस्तों तो उसकी नब्ज आपको बहुत ही ज्यादा स्लो मिलती है, बहुत ध्यान लगाने में, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने में आपको उसकी नब्ज दिखाई देती हो, तो ये जो दोस्तों चेतावनी होती है, अंतिम समय की चेतावनी होती है, जब शरीर एकदम ठंडा होने लगे वहां पर दोस्तों यदि कार्बोवेज दिया जाता है तो ये अचानक से फेफड़ों को दोस्तों एकदम से स्टिमुलेट करता है, फेफड़े के अंदर इतनी पावर फिर पैदा होती है कि वो म्यूकस को बाहर निकाल दे। कार्बोवेज देने का दोस्तों जनरली तरीका ये होता है कि यदि नॉर्मल कंडीशन में आप कफ निकालने के लिए कार्बोवेज दे रहे हैं तो 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम, और यदि ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा दमा अस्थमा से परेशान है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा लो हो गया हो, वहां पर दोस्तों आपको कार्बोवेज 2 घंटे के अंतराल से, या बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो 1-1 घंटे के अंतराल से 4-4 बूंदें लगातार देनी है। दोस्तों आज की तीसरी होम्योपैथिक दवा है बेनेडियम मेटेलिकम 30 पोटेंसी में। दोस्तों बेनेडियम मेटेलिकम का सबसे प्रमुख काम होता है शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाना, और हीमोग्लोबिन की दोस्तों जो ऑक्सीजन को जोड़ने की ताकत होती है जिसके कारण हमारे शरीर में सभी जगह पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाती है, दोस्तों उस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जोड़ने की जो कैपेसिटी होती है, जो बॉन्डिंग पावर होती है, उसे बढ़ाने का काम भी बेनेडियम करता है। तो बेनेडियम हीमोग्लोबिन भी बढ़ा रहा है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को जोड़ने की कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, तो इसके कारण दोस्तों शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, फेफड़े की क्षमता कमजोर हो गई हो, वहां पर भी आप बेनेडियम देते हैं 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह दोपहर और रात, तो दोस्तों ये फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को जोड़ने की जो उसकी कैपेसिटी उसे बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ाता है। इस प्रकार से देखें तो एंड रिजल्ट में दोस्तों ये ऑक्सीजन की जो है क्वांटिटी आपकी बॉडी में बढ़ाता है, ऑक्सीजन के लेवल को ज्यादा एराइज करता है, बढ़ाता है।
दोस्तों आज की हमारी अगली मेडिसिन है एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर। तो यहां पर ऊपर लिंक जा रही है, इसमें मैंने एस्पाइडोस्पर्मा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है। यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, एस्पाइडोस्पर्मा दोस्तों होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन होती है जो ब्रेन के ऐसे सेंटर को स्टिमुलेट करती है जो आपके रेस्पायरेटरी सेंटर को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों यदि किसी कारण से आपके लंग्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, रेस्पायरेशन सही नहीं हो रहा, तो जहां से ये कंट्रोल होते हैं ब्रेन के उस हिस्से को जागरूक करने का काम, जगाने का काम एस्पाइडोस्पर्मा करता है। जब वो हिस्सा जागरूक हो जाता है तो उसके रिजल्ट में जो आपके फेफड़े होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लग जाता है। और दोस्तों जनरली अभी भी ऐसा देखने में आ रहा है कि जिन भी पेशेंट को एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर दिया जा रहा है वास्तव में उनके SpO2 लेवल में वृद्धि हो रही हो। ये वृद्धि कुछ समय के लिए होती है, वापस फिर डिक्रीज होने लगता है, परंतु दोस्तों यदि व्यक्ति को अपना जीवन बचाना है तो वो एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर का यूज कर सकता है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर है, उसे देने की सामान्य खुराक है 15 से 20 बूंद, सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी के साथ। दोस्तों आज की आखिरी और अंतिम मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर जो काकरोच से बनता है। इसके बारे में भी दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहे तो मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से संक्षेप में बता दूं कि ब्लाटा ओरिएंटेलिस को जब आपका फेफड़ा पूरी तरह से म्यूकस से भरा हुआ हो, लगातार आपको खांसी चल रही हो, कब बाहर ना निकल रहा हो, ब्रांकाइटिस से परेशान है, न्यूमोनिया से परेशान है, या किसी भी प्रकार की लंग्स की प्रॉब्लम से परेशान है, आपको सांस लेते नहीं बन रहा, तो दोस्तों आपको सांस लेने में आसानी हो इसके लिए ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर दिया जाता है। अस्थमेटिक प्रॉब्लम में, दमे की शिकायत में, सांस बहुत ज्यादा जोर जोर से चल रही हो, तेजी से चल रही हो, बहुत ज्यादा कफ भरा हुआ हो, लगातार सूखी खांसी के ठसके आ रहे हो, फेफड़े संबंधी किसी भी समस्या में ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लिया जाता है। दोस्तों तो ये है 5 मेडिसिन जो अभी की कंडीशन में बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। दोस्तों आप लक्षणों के हिसाब से अपना चयन कर सकते हैं। यदि एक्यूट कंडीशन में आपको सडनली आराम देना है तो एस्पाइडोस्पर्मा और ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर, और यदि आप प्रॉपर तरीके से जो है फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो एंटीमटाट, कार्बोवेज और वेनेडियम मेटेलिकम आपको जो है डाइल्यूशन में देना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।